आज दूर दूर तक लिटरली में मुझे इतनी ऊंचाई से कोई दिख नहीं रहा है। अबे फ्रैंकलिन, तुझे पता भी है हम इस दुनिया की सबसे ऊंची केबल कार में पिकनिक मनाने आए हैं। यहाँ से दिखाएगा कौन? अरे हल्क को तो बर्गर में मजा आ रहा है। अरे टोनी सर, कॉफी तो ठंडी हो गई, गर्म करवा दीजिए। अब यहाँ पर हीटर तो है नहीं जो गर्म करवाए। अरे टोनी, सिंचन पिंचन होते तो मजा आता, अब उनके स्कूल सुल गए तो हम क्या कर सकते हैं। वैसे गाइस, हम आपको दिखाना चाहते हैं, इस समय फिलहाल हम माउंट चिल्लियाट के केबल कार में और हम सभी बहुत मजे कर रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतनी शांति, ओ भाई साहब, टोनी ये क्या हो रहा है? क्या हो गया हमारे ऊपर? मुझे ऐसा लगा कोई गिर गया। अरे कोई बचाओ, सब खत्म हो जाएगा, सब तबाह हो जाएगा। अरे कौन पागल कूद गया हमारी केबल कार पे? भाई कौन है तू? गाइस कौन आ गया हमारी केबल कार पे? अरे तुम लोगों को यहाँ से भागना होगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता भी है क्या अनर्थ होने जा रहा है? क्या अनर्थ होने जा रहा है? क्या कह रहा है? थोड़ा ठहर के तो बोल ले भाई। अरे भैया, सब तबाह हो जाएगा। अरे भैया क्या तबाह हो जाएगा? तू थोड़ा सा मुझे यहाँ पर आइडिया तो दे। तुझे पता भी है यहाँ पर एक गॉड आने वाला जिससे पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, दुनिया भ्रम हो जाएगी। मैं तो भाग रहा हूँ यहाँ से। हैं? अबे फ्रैंकलिन, वो इंसान क्या बोलकर चला गया? मुझे तो थोड़ा सा डर लग गया उसकी बातों से। उठिन की सब जब देखो डर करता है। अरे हम भी तो गॉड है, हमसे तो कुछ नहीं होता। अरे तू तो यार इंसानों से भी कमजोर है। खैर तू छोड़। अरे फ्रैंकलिन तू हावरा मत, आराम से मस्ती मजाक कर, यहाँ कोई नहीं आने वाला। अरे गाइस मुझे डर क्यों? भैया ये क्या हमारी केबल कार पे एक साथ से आया इतना सारा ब्लड? इतने सारे इंसान गिर रहे हैं। गाइस अब तो पक्का गड़बड़ है। मुझे लग रहा है वो इंसान अगर सच नहीं बोल रहा था तो झूठ भी नहीं बोल रहा था। कुछ तो बात है, इतने सारे इंसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? फ्रैंकलिन हमारे शहर में देश में डिप्रेशन फैल रहा है, मैं क्या करूं? लोग बेरोजगार हो रहे हैं तो यहाँ पर अपनी जान तो लेंगे। भाई तू यहाँ पर बहाना मत दे टोनी, कुछ गड़बड़ है। अरे कोई बचाओ हमें, मर जाएंगे हम, तबाह हो जाएंगे। बहुत जोर से लगी। एक मिनट, यहाँ पर फिर से कोई हमारे ऊपर गिरा है। अरे बाप रे, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा। टोनी हमें ऊपर जाके उससे बात करनी पड़ेगी। ओ भाई रुक जा, हेलो, यहाँ पर तू मुझे ये बताएगा तू हमारी केबल कार में आके क्यों गिरा? अरे तुम्हें पता नहीं पूरी दुनिया खत्म होने वाली है, इससे पहले कि उस गॉड के हाथ तो हम मरे, हम खुद ही मर जाएंगे। अबे कैसी बातें कर रहा है तू? फ्रैंकलिन इसकी बात पे यकीन मत कर, इसको नीचे फेंक यहां से। इसको मरना ही जा मर जा, हमें परवाह नहीं है। अरे भाई ये कैसी बातें कर रहा है टोनी? तो हमें यहां पर पुलिस को कॉल करना चाहिए और इसकी बात है। अबे टोनी क्या कर दिया तूने? मैंने बस मुसीबत को खत्म कर दिया। तू यहां पर मस्ती मजाक करने आया है ना कि परेशानियां खड़ी करने? फ्रैंकलिन समझा, दिमाग खराब मत कर मेरा। यार टोनी तू कितना बुरा है। बुरा बोलता है मुझे? रुक तुझे बताता हूं बुरियत क्या होती है। भाई ये क्या कह रहा है तू? अबे तूने मेरा पूरा दिमाग खराब कर दिया, पिकनिक बिगाड़ दिया। यहां पर कोई गॉड नहीं आने वाला, लेकिन हां मैं तुझे जरूर मार दूंगा। गॉड मारे ना मारे। टोनी छोड़ मुझे। अरे गाइस कोई प्लीज वीडियो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब। ये टोनी पागल हो गया है, इतने बड़े इशू को तू यहां पर ऐसे ही नॉर्मलाइज नहीं कर सकता। मैं इशू को उखाड़ना चाह रहा हूं, खत्म करना चाह रहा हूं, क्योंकि मेरा पिकनिक अच्छा बन पाए। टोनी उनकी बात तो समझने की कोशिश कर। ओ भाई साहब टोनी, वो ऊपर कौन है? कौन है ऊपर? अब मजाक मत उड़ा। अरे नहीं, मुझे कोई बचाओ। ये क्या रे, बाप रे मार दिया। ये कौन था भाई साहब, इतनी बुरी तरह से गिरा। अरे बाप रे कमर तोड़ दी। मेरी कोई मदद करो प्लीज। एक मिनट गाइस, ये तो उसी गॉड की आवाज है। हल्क ये क्या हो गया तुम लोगों को? टोनी, ओ नो 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 टोनी, ये क्या हो गया? मैंने तुझसे बोला था यहाँ पर गड़बड़ होने वाली है, तुम लोगों ने मेरी बात का बिलीव क्यों नहीं करा? ओटो प्लीज, तुम लोग मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते, तुम्हें मुझे छोड़ के जाने का बिल्कुल भी हक नहीं है, प्लीज उठ जाओ। ओ माय गॉड, ये तो ऑल फादर लावा गॉड है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है? टोनी प्लीज मेरे भाई जल्दी उठ जा। ओ नो गाइस, ये क्या हो गया? प्लीज जल्दी वीडियो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करो। ये ऑल फादर लावा गॉड हमारी दुनिया पर क्या कर रहा है? इसने तो यहाँ पर सब कुछ तबाह कर दिया। वो इंसान सच बोल रहे थे। अरे फ्रैंकलिन मैं मर गया क्या? नहीं अभी तक तो नहीं मरा। एक मिनट, अवेंजर्स को क्या हो गया? ओ नो फ्रैंकलिन, काश मैंने तेरी बात सुनी होती। लेकिन ये सब अचानक से कैसे हो गया? ये अचानक से नहीं हुआ, वो इंसान बोल तो रहे कि यहाँ पर खतरा होने वाला है, ये ऑल फादर लावा गॉड आने वाला है, लेकिन ये हमारी धरती पर क्यों आया है? तुझे पता है मैंने इसकी रोने की आवाज सुनी क्या? मैंने कभी गॉड्स को रोते हुए नहीं देखा, ना ही हंसते हुए। ये कैसी बातें कर रहा है तू? ओ माय गॉड गाइस, इसके गिरने की वजह से हमारा पूरा माउंट चिल्लियाट यहाँ पर जल रहा है, पूरी तरह से तबाह हो रहा है, इससे तो पूरा शहर पे खतरा आ जाएगा। टोनी हमें इस तबाही को रोकना होगा। इसके लिए हमें यहाँ पर इस ऑल फादर लावा गॉड के पास चलना पड़ेगा। अब तो यही हमें बताएगा कि हमारी धरती पर आया क्यों है एटलीस्ट। ओ भाई है, अरे भाई फ्रैंकलिन इधर आ। ये ऑल फादर लावा गॉड तो दूर से बहुत बड़ा लग रहा था, इतना छोटा कैसे हो गया? मैं मर रहा हूँ मेरे बच्चों, मेरे साथ साथ ये दुनिया भी मर रही है, प्लीज मेरी मदद कर दो। अरे लेकिन हम तेरी क्या मदद करें भाई, तूने तो खुद हमें तबाह कर दिया। ओ भाई ऑल फादर लावा गॉड, तू यहाँ पर क्या कर रहा है और तू इतना छोटा कैसे हो गया? जब तू हमारे ऊपर गिरा था बहुत बड़ा था। बिल्कुल, तुम्हें पता है मैं इतना छोटा कैसे हो गया? तुम्हें जानना है, हमें जानना है, इवन हमें यहाँ पर अपनी फैमिली को भी बचाना है। यहाँ पर प्लीज हमारी दुनिया को ठीक करो। उसके लिए तो तुम्हें सबसे पहले ये जानना होगा कि असल में मेरे साथ हुआ क्या था। एक समय की बात है मेरे बच्चों, मैं बहुत बड़ा ऑल फादर लावा
बड़ा गॉड हुआ करता था। ए? एक मिनट, ये आप ही है क्या? बिल्कुल मैं ही हूँ। ओ माय गॉड टोनी, ये ब्लू लावा गॉड है और ये ब्लैक लावा गॉड। फ्रैंकलिन मैं कहता था ना तुझसे कि गॉड एक नहीं होते, 10 तरह के अलग अलग गॉड होते हैं। हाँ यार तू सही कह रहा था गाइस, अलग अलग कलर के अलग अलग लावा गॉड है। लेकिन टोनी मुझे एक बात समझ नहीं आई, यहाँ पर जब ये इतना बड़ा था और ये क्या है? ये है मेरे ताकतवर एलिमेंटल एग, इनको ऑल फादर लावा एलिमेंटल एग कहा जाता था मेरे बच्चों। इन्हीं की वजह से मैं इतना ज्यादा विशाल था। एक दिन मेरे पास मेरे पिताजी आते हैं। क्या? ओ माय गॉड, इस ऑल फादर लावा गॉड के पिताजी इतने छोटे थे? बिल्कुल, वो मेरे पास आके मरने का नाटक करने लग गए। उन्होंने मुझसे बोला कि यहाँ पर ऑल फादर गॉड ने उनको पीटा है। मैं अपने पिता से बहुत प्यार करता था और उसी वजह से मैं भावनाओं में आकर उनकी बात पर यकीन कर गया और मैं सीधा निकल पड़ा ऑल फादर गॉड से लड़ाई करने। ऑल फादर गॉड ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की। उसने मुझे समझाया कि गॉड फादर टाइटन को किसी भी तरह से ऑल फादर गॉड ने नहीं मारा है, लेकिन मुझे गुस्सा आ गया था, इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं ऑल फादर गॉड को मारकर अपने पिताजी को ताकतवर बनाऊंगा। इसलिए मैंने सबसे पहले ऑल फादर गॉड की आंख पर अटैक किया जिससे कि वो अंधा हो जाए। ओ माय गॉड गाइस, यहां पर देखिए ऑल फादर लावा गॉड वर्सेस ऑल फादर गॉड हो रही है। ओ माय गॉड, फिर आप में से कौन जीता? क्या आपको ऑल फादर गॉड ने हराया था? नहीं, मैंने ऑल फादर गॉड को हरा दिया था और मेरे पिताजी ने इस बात का फायदा उठाकर पीछे से ऑल फादर गॉड पर अटैक किया जिस वजह से ऑल फादर गॉड कमजोर हो गया। और भाई साहब, यहां पर बाप बेटे ने मिलकर ऑल फादर गॉड को पीटा, उसी की वजह पर ये इंसान गिर रहे थे। ओ तभी ऐसे बुरी हालत हो रही थी। बिल्कुल सही कहा, इसी वजह से यहाँ पर ह्यूमंस मरने लग गए और मेरे पिता ने ऑल फादर गॉड का एलिमेंटल एग खा लिया। क्या? एक मिनट, ऑल फादर गॉड का एलिमेंटल एग क्यों खाया? जिससे कि वो ताकतवर हो जाते और यहाँ पर ऑल फादर गॉड छोटा होने लगता और यहाँ पर ऑल फादर गॉड को मैंने और मेरे पिता ने मिलकर बहुत बुरी तरह से पीटा। ओ भाई साहब, फिर उसके बाद क्या हुआ? यहाँ पर मेरे पिता को फाइनली ऑल फादर गॉड का एलिमेंटल एग मिल गया था। ऐसा, लेकिन फिर क्या हुआ? जैसे ही मेरे पिता ने ऑल फादर गॉड का एलिमेंटल एग खाया, वो बड़े होने लग गए, बहुत ज्यादा बड़े। क्या बात है, फिर तो तुम्हारी फैमिली और ताकतवर होगी। लेकिन भाई तू फिर हारा कैसे? मुझे धोखा दिया मेरे ही पिता ने। एक मिनट, ये क्या कह रहा है तू? हैं, ये कैसे पॉसिबल है? जैसे ही मेरे पिता बड़े हो गए, वो पावर्स के लालची हो गए थे। दूसरी तरफ ऑल फादर गॉड भी मुझे अपना दुश्मन समझ बैठा था क्योंकि मैंने उसको और उसकी वजह से ना जाने कितने लोगों को मार दिया था जाने अनजाने में। इसलिए ऑल फादर गॉड गुस्से में आ गया, वो मुझ पर डायरेक्टली अटैक करने लग गया। ये बात तो है गाइस, ऑल फादर गॉड लिटरली में यहां पर निर्दोष था। फिर भी भाई लावा गॉड तूने गलत किया, मैं जानता था, लेकिन जब तक इस चीज को मैं पहचानता बहुत देर हो चुकी थी मेरे बच्चों। ऐसा क्या हो गया था कि बहुत देर हो गई थी? क्योंकि जिस समय ऑल फादर गॉड मुझ पर अटैक कर रहा था, मेरे पिता ने सही मौका देखा और उन्होंने मुझे और ऑल फादर गॉड को लड़ते हुए देखा और देखा कि मैं यहां पर पूरी तरह से बिजी हूं। लेकिन यहां पर ऑल फादर गॉड के और भाई तेरे लड़ने से यहां पर तेरे पिताजी को कैसे फायदा हो सकता है? ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही है। जैसे ही मैंने ऑल फादर गॉड को हराया, मेरे पिताजी ने चोरी चुपके से मुझसे मेरा एक एलिमेंटल एग छीन लिया था। व्हाट, ये कब हुआ? मुझे खुद समझ नहीं आया कि मेरे पिताजी थ्री हेडेड कैसे बन गए थे और उन्होंने एक भी पल नहीं देखा और मुझ पर दोबारा से अटैक करने लगे। और बाप रे फ्रैंकलिन, ये देख यहां पर लिटरली में है। एक मिनट, ये सब क्या हो रहा है? उसके बाद तुरंत ही ऑल फादर गॉड आया और मेरा एक और एलिमेंटल एग ऑल फादर गॉड ने ले लिया। इसका मतलब एक एलिमेंटल एग यहां पर गॉड फादर टाइटन ने लिया हमारे ऑल फादर लावा गॉड का और एक एलिमेंटल एग ऑल फादर गॉड ने लिया। नो, यहां पर तो ऑल फादर गॉड ने एंड गॉड फादर टाइटन ने हमारे ऑल फादर लावा गॉड के साथ चीटिंग की है गाइस। आप सभी को हमारे ऑल फादर लावा गॉड का सपोर्ट करना होगा, जल्दी से प्लीज वीडियो लाइक कीजिए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, यहां पर हमें इनकी मदद करनी होगी। हमारा ऑल फादर गॉड तो जाग चुका था, मैं बहुत रोने लग गया क्योंकि मेरे ही पिता ने मुझे धोखा दिया। अब मैं बस मेरे बच्चों सिर्फ और सिर्फ 6 हेडेड या 7 हेडेड ही बचा था। मेरे पिता वहां से जाने लग गए। मैंने अपने पिता को समझाया कि वो मुझे मेरा एलिमेंटल एग वापस कर दे जिससे कि मैं दुनिया में वापस से शांति ला पाऊं और ऑल फादर गॉड से माफी मांग पाऊं। लेकिन मेरे पिता नहीं रुके, इसलिए मैंने यहां पर अपने पिता का पीछा किया। क्या? यहां पर अपने पिता का भाई तूने पीछा क्यों किया? और अभी भी तू 7 हेडेड था, तू यहां पर इतना सा कैसे हो गया? बताता हूं, मेरे पिता असल में एक बहुत ही ज्यादा बुरे गॉड जिसको ग्रीन पॉइजन गॉड कहा जाता है उसके पास गए। ओ माय गॉड फ्रैंकलिन, ग्रीन पॉइजन गॉड कितना सा है यहां पर? हां यार, ग्रीन पॉइजन तो बहुत ही छोटा है। मेरे पिता ने उसके साथ डील रखी कि अगर वो मुझसे लड़ेगा मेरे पिता के साथ तो वो एक
एलिमेंटल पावर खुद रखेंगे और एक एलिमेंटल पावर उस ऑल फादर ग्रीन पॉइजन गॉड को दे देंगे। इसका मतलब यहाँ पर गाइस, गॉड फादर टाइटन ने अपने बेटे को हराने के लिए ग्रीन पॉइजन गॉड से हाथ मिला लिया। एक मिनट, फिर उसके बाद तेरा क्या हुआ भाई लावा गॉड, क्या तूने अटैक नहीं किया? मैंने कोशिश की फ्रैंकलिन, लेकिन मैं बहुत कमजोर हो गया था, बेहोश हो गया था। इसी बात का फायदा उठाकर एक एलिमेंटल एग ग्रीन पॉइजन गॉड ने ले लिया और एक एलिमेंटल एग मेरे ही खुद के पिता गॉड फादर टाइटन ने ले लिया। वो दोनों उसी का पावर का इस्तेमाल करके बहुत ज्यादा ताकतवर होने जा रहे थे। काश काश मैं उनको रोक पाता, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाया। उन दोनों ने एक एक एलिमेंटल का इस्तेमाल करा और अपने आप को वो बड़ा होते चले गए। और भाई साहब, ये ग्रीन पॉइजन कितना सा है, यहाँ पर हमारे ऑल फादर लावा गॉड की ताकत में गाइस कितनी पावर है कि यहाँ पर ग्रीन पॉइजन गॉड पूरे थ्री हेडेड हो चुका है। अरे हाँ टोनी, तो इसी तरह से यहाँ पर हमारा जो ऑल फादर लावा गॉड है उसके हेड गायब पर गायब होते चले गए। बिल्कुल, अब मेरा लास्ट एलिमेंटल एग बचा था। मैंने अपने पिताजी से बहुत विनती की कि वो अपने बेटे को धोखा ना दें, लेकिन वो पावर्स की भूख में अंधे हो गए थे। ओह नो गाइस, मैं इस समय लिटरली में समझ पा रहा हूँ कि यहाँ पर बेचारे लावा गॉड पे क्या बीती उसके खुद के पिता ने अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए। अबे टोनी, ये तो गॉड फादर टाइटन पूरे सेवन हेडेड हो गया, लेकिन एक मिनट, फिर हमारे ऑल फादर लावा गॉड क्या हुआ? मेरे बच्चों, मैं जैसे ही यहाँ पर कंगाल हो गया, मेरा सिर्फ एक हेड बचा था, मैं बेजान हो गया था और मुझे फेंक दिया गया अपने ब्रह्मांड से तुम्हारे ब्रह्मांड की तरफ और मैं तुम्हारी पृथ्वी पे आ गिरा। ओ माय गॉड, तो हम यहाँ पर किस तरह से भाई तेरी मदद कर सकते हैं? तुम्हें मेरे सारे एलिमेंट अलग लाने होंगे, तभी जाके मैं अवेंजर्स को बचा सकता हूँ, और अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। तुम्हारे पास सिर्फ एक घंटा है। एक घंटा? अरे तो बहुत कम है फ्रैंकलिन, तो हमें जल्दी चलना पड़ेगा गाइस, इससे पहले कि बाकी गॉड्स आए और हमारी दुनिया पे आकर तबाही करें, अटैक करें। हमें एक मिनट, ओ माय गॉड, ये ऑल फादर गॉड यहाँ क्या कर रहा है? मुझे लगता है ये ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है, शायद हमारा ऑल फादर लावा गॉड सही कह रहा था। अब समय आ गया है धरती पर अपना राज करने का। नहीं 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 टोनी, हमें जल्दी ऑल फादर गॉड को रोकना पड़ेगा। एक मिनट, ऑल फादर गॉड के हेड के अंदर एक एलिमेंट है, और कहीं ऑल फादर लावा गॉड का तो नहीं है? मुझे तो यही लग रहा है। एक मिनट, ये क्या? ए बच्चो, अब मैं तुम्हें डेविल गॉड बनाऊंगा और पूरी दुनिया में तुम्हारा राज करवाऊंगा। तुम सब मेरे गुलाम हो गए और दुनिया वाले तुम्हारे गुलाम होंगे। गाइस देख रहे हो इस ऑल फादर गॉड को यहाँ पर कैसे मासूम बच्चों का सहारा लेकर ये हमारी दुनिया को तबाह करेगा। तुम लोग कौन हो, निकलो यहाँ से। हैं, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कोई बचा। फ्रैंकलिन क्या हो गया, तू ठीक है? पता नहीं, मेरे को लग रहा है ये कहाँ पर, ओ माय गॉड। एक मिनट गाइस, ये क्या, ये कौन से वर्ल्ड में आ गया मैं? हल्क फोड़ेगा, हल्क तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। एक मिनट, ये क्या, नहीं कोई है, प्लीज मुझे बचाओ। अरे बाप रे, यहाँ पर तो गाइस अलग अलग तरह के अवेंजर्स हैं, लेकिन एक मिनट, ये मेरे अवेंजर नहीं हो सकते। ओ माय गॉड, हल्क ये क्या हो गया? हल्क अब यहाँ पर चमगादड़ बन गया है, हल्क तुझे खा जाएगा। और भाई साहब ये, ओ माय गॉड, ये ब्लू हल्क है। गाइस हमारे हल्क को ये क्या हो गया? गाइस नहीं, इसलिए टोनी स्टार्क, ये क्या हो गया? फ्रैंकलिन तूने मुझे बचाया नहीं, अब मैं तुझे भी नहीं बचाऊंगा। नहीं नहीं टोनी, ऐसा नहीं है भाई, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। गाइस ये कैसे सूट है? ये तो फायर आयरन गॉड के सूट है, मुझे यहाँ से जाना होगा। सब झूठ है, हल्क तुझे खा जाएगा, हल्क तुझे कहीं नहीं छोड़ेगा, मैं भी खा जाऊंगा फ्रैंकलिन तुझे। नहीं कोई बचाओ, प्लीज मुझे बचाओ। मुझे यहाँ से जाने दो। इसमें काम करता हूँ, इसके अंदर घुस जाता हूँ। अरे यार वो तो छोटी सी जगह है, काम करते हैं यहाँ पर छुप जाते हैं। ओ माय गॉड, नहीं प्लीज मेरे को मत मारो। गाइस मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं ये कहाँ पर आ गया हूँ। टोनी स्टार्क प्लीज हेल्प मी। टोनी गाइस कमेंट में जल्दी से आयरन मैन हेल्प मी लिखिए या टोनी स्टार्क हेल्प मी लिखिए। हल्क फोड़ेगा, हल्क तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा, तू मेरा हल्क नहीं। अरे मार दिया, मुझे लगता है मैं कोई दूसरे प्लेनेट पे आ गया हूँ। अरे छोड़ मुझे, हल्क तुझे खा जाएगा। नहीं 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 प्लीज मेरे को मत खाना। अरे बाप रे, क्या ही मारा। व्हाट, एक मिनट, मैं शायद अपनी दुनिया में वापस आ गया। ओ थैंक गॉड, मुझे, ओ नो, अरे बाप रे मुझे जला दिया। बचा फ्रैंकलिन, मुझे बचा। ओ माय गॉड टोनी, एक मिनट तू यहाँ जल रहा है। एक मिनट गाइस, अच्छी बात है मेरे पास फायर एक्सटिंग्विशर है, मैं जल्दी टोनी को बचा लूंगा। हेलो बाप रे, हमको भी बचा लो अंकल। गाइस मैं उन बच्चों को भी बचाऊंगा। फ्रैंकलिन एक मिनट, तू कहाँ चला गया था? पता नहीं सोल फादर गॉड ने मुझे कौन से प्लेनेट पर भेज दिया था। खैर उस प्लेनेट की बात छोड़, सबसे पहले हम इन मासूम बच्चों को बचाएंगे। अरे अंकल जी हमें बचा लीजिए, ये गॉड हमें जबरदस्ती यहाँ पर ईविल बनाएगा। तुम चिंता मत करो बच्चों, जाओ अपनी मम्मी पापा के पास जाओ और चैन से रहो, मैं सोल फादर गॉड को देख लूंगा। कम ऑन जल्दी जाओ, हमारे पास सारा समय नहीं है। शुक्रिया अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है फ्रैंकलिन, तू तो सुपर हीरो बन गया। नहीं अभी तक मैंने इन बच्चों को बचाया नहीं है, मैंने तो बस इनको एक तरह की उम्मीद दी है कि बच सकते हैं, लेकिन गाइस किसी भी हालत में मुझे ऑल फादर गॉड से अपने ऑल फादर लावा गॉड का एलिमेंटल एग छीनना होगा। ये बच्चे कहाँ गए? बच्चों रुक जाओ। हेलो अंकल जी, मैं आपके पास आया हूँ। एक मिनट बेटा, तू क्यों नहीं गया? मेरे पास नशल में एक गन है, मेरे पापा
बाकी ये बहुत ही स्पेशल गन है। मैंने सुना है इस गन के इस्तेमाल से हम लोग कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकते हैं। ओ माय गॉड, लेकिन ये गन मुझसे यूज करनी आती, आप यूज कर लो, क्या पता आपको आ जाए यूज करनी। ओ माय गॉड गाइस, ये बच्चा कितना अच्छा था। बच्चा रुक जा, मैं नहीं लगूंगा, मैं भगला हूँ। गाइस उस बच्चे ने तो बहुत कमाल कर दिया। फ्रैंकलिन अब तू क्या करने वाला है? अब मैं इस गन का इस्तेमाल करके, ओ माय गॉड व्हाट, मैं टेलीपोर्ट हो गया। अरे मैं भी हो गया, क्या बात है गाइस। अब यहाँ पर हम सीधा ऑल फादर गॉड के हेड के अंदर जाएंगे। ये कहाँ गए तुम लोग, ए इंसानों बाहर निकलो मेरे मुंह के अंदर से। गाइस अब एक काम करते हैं, जल्दी से एलिमेंटल एग को लेते हैं और यहाँ से सीधा ऑल फादर लावा गॉड के पास टेलीपोर्ट होते हैं और अपने अवेंजर्स को बचाते हैं। फ्रैंकलिन अपनी दुनिया को बचाते हैं। नहीं, हरा मुझे हरा दिया, ये क्या हो गया। बड़ी जोर से लग गई कैर, यहाँ पर कम से कम नीचे तो आ पाए। एक मिनट गाइस, जैसे ही वो एलिमेंटल स्टार्क ने लिया, एक साथ से ऑल फादर गॉड कहां पर गायब हो गया मुझे कुछ समझ नहीं आया। तुमने मुझे बेशक हरा दिया है, लेकिन तुम अभी नहीं जानते गॉड फादर टाइटन को और ग्रीन पॉइजन गॉड को, वो इस दुनिया पर आएंगे देखना। अबे फ्रैंकलिन, ग्रीन पॉइजन गॉड एंड गॉड फादर टाइटन ने तो हमारे ऑल फादर लावा गॉड के बाकी के एलिमेंटल एग चुराए थे। अरे बाप रे, मुझे बात बतानी पड़ेगी। लावा गॉड भाई, ये रे भाई, हम मेरा बस एक ही अंडा ले पाए। तुझे पता है ग्रीन पॉइजन गॉड और साथ साथ में गॉड फादर टाइटन दोनों धरती पर आ रहे हैं, इस धरती पर कब्जा करने। मैं जानता हूं बच्चों, तुम चिंता मत करो, मैं इस एलिमेंटल के इस्तेमाल से तुम्हारे दोस्तों को भी बचाऊंगा और धरती को भी बचाऊंगा। ऑल राइट गाइस, देखिए हमारा ऑल फादर लावा गॉड बड़ा होने लग रहा है, देखते हैं अब ये कितना हेड बनेगा। ये तो मैं भी देखना चाहता हूं फ्रैंकलिन। ओबे वाह, ये भी फिलहाल 3 हेड बन गया है। ये है गोल्ड लावा गॉड, ये है रेड लावा गॉड जो कि ओरिजिनल है, और ये ग्रीन लावा गॉड। क्या बात है गाइस, कितना ऑसम लग रहा है। मेरे बच्चों अब समय आ गया है तुम्हारे दोस्तों को बचाने का। ऑल राइट गाइस, ये क्या हो गया, नहीं ये क्या हो गया, जिस बात का डर था वही हुआ। ओ माय गॉड, आसमान में देखिए ग्रीन पॉइजन गॉड और धरती पर आइस गॉड। ओह नो भाई, बल्ले बल्ले, हम तो जिंदा हो गए। उठी किस्म, हम जिंदा हो गए। एक मिनट टोनी, अवेंजर्स जिंदा हो गए। नहीं नहीं नहीं, अवेंजर्स वहां से हटो, गड़बड़ है। नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ है। ओह नो, अरे बाप रे टोनी, ये क्या हो गया। हमने अपने अवेंजर्स को पाकर फिर से खो दिया। ये क्या कह रहा है तू। यहां पर इस बार एक नहीं दो गॉड्स ने हमला किया है, ग्रीन पॉइजन गॉड एंड आइस गॉड ने। मेरे बच्चों मुझे माफ कर दो, मैं कुछ नहीं कर सकता, प्लीज हमें ताकत दीजिए उन गॉड से लड़ने की और आपके एलिमेंटल एग लेने की। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट देता हूँ। गिफ्ट, ये क्या है। अबे ये तो 500 ऑल फादर लावा गॉड का सूट है। ये ऐसा सूट मैंने अलग भी देखा था, लेकिन वो फायर वाला था। और ये तो गाइस यहाँ पर जायंट एलियन गॉड हल्क का सूट है। गाइस क्या ऑसम सूट है ना, ये ऑल फादर लावा एलियन गॉड का सूट। और मेरे पास ऑल फादर लावा आयरन मैन का सूट है। फ्रैंकलिन सामने देख, ग्रीन पॉइजन है। मैं देख रहा हूँ भाई, यहाँ पर गाइस इस ग्रीन पॉइजन ने हमारी दुनिया को खत्म करने के लिए पॉइजन मतलब जहर की बारिश फैला दिया चारों तरफ। अब पूरी दुनिया बहुत जल्द मर जाएगी। गाइस देखिए, इस वाले एलिमेंटल एग को हमें किसी भी हालत में छीनना होगा। बिल्कुल सही कहा फ्रैंकलिन, वो तो शुक्र की बात यह है कि एक मिनट फ्रैंकलिन, दो एलिमेंटल एग। ओ माय गॉड, इनमें से रियल कौन सा है, वो तो मुझे समझ नहीं आ रही। ये ग्रीन पॉइजन गॉड कुछ तो हमारे साथ खेल खेलने की कोशिश कर रहा है, क्या ऐसा तो नहीं है दोनों एलिमेंटल एग हमारे काम क्यों। एक काम करते हैं, सबसे पहले ये छोटे वाले एलिमेंटल एग को लेते हैं, उसके बाद दूसरे वाले को ले लेंगे। बिल्कुल सही कहा, लेकिन यार मैं इसको टच करूं नहीं करूं। टोनी स्टार्क जल्दी कर, हमारे पास टाइम नहीं है। अरे बाप रे फ्रैंकलिन, ये क्या हो गया एक साथ से। ओह नो, ये तो पॉइजन से भरा अंडा है। ऑल फादर लावा गॉड प्लीज हेल्प मी गाइस, कमेंट में जल्दी हेल्प मी ऑल फादर लावा गॉड लिखिए। अरे मेरे बच्चों, इस पॉइजन से मैं तुम्हें बचा लूंगा, लेकिन तुम्हें इस अंडे को फोड़ना होगा। लेकिन कैसे, तुम्हें चारों तरफ घूमना होगा इतनी तेजी से जिससे कि अंडा फूट जाए। अरे फ्रैंकलिन कितनी तेजी में घूम रहे हैं हम तो। ओ माय गॉड गाइस, मैं और टोनी स्टार्क साथ में इतनी तेजी में घूम रहे हैं कि यहां पर ही अंडा फट गया। अरे नहीं, ये क्या हो गया एक साथ से, मेरा प्लान फेल हो रहा है, मेरा ग्रीन पॉइजन एलिमेंटल एग फट गया। फ्रैंकलिन तो इसका मतलब ये इसका रियल एलिमेंटल एग था। हाँ, और इसने यहाँ पर जो पॉइजन की बारिश फैलाई थी वो खत्म हो गई और हमारी धरती यहाँ पर बस बर्फ में जम गई है। कोई नहीं फ्रैंकलिन, हम इसका भी सॉल्यूशन निकालेंगे। अब समय आ गया इस ग्रीन पॉइजन गॉड से ऑल फादर लावा एलिमेंटल एग छीनने का। अरे नहीं, ये क्या कर रहे हो तुम इंसान, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम शायद जानते नहीं हो, गॉड फादर टाइटन तुमसे बदला लेगा मेरी मौत का। हाँ, तब का तब देखा जाएगा। फ्रैंकलिन ये देख, ये रहा अद्भुत एलिमेंटल एग जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे ऑल फादर लावा गॉड का है। टोनी तूने तो कमाल कर दिया भाई। चल फ्रैंकलिन अब जल्दी चलते हैं। और यहाँ, ओ भाई साहब, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, देख लेना गॉड फादर टाइटन बदला लेगा। अरे बाप रे गाइस, अभी तो गॉड फादर टाइटन भी है जिसने हमारी पूरी धरती को लिटरली में बर्फ में जमा रखा है। एक काम करते हैं, हम जल्दी जाते हैं और यहाँ पर अपने भाई ऑल फादर लावा गॉड को उसका एलिमेंटल एग देते हैं। लावा गॉड प्लीज ये लीजिए, हमें आपकी मदद चाहिए, आप प्लीज इस एलिमेंटल की पावर से ताकतवर हो जाइए, उसके बाद हमारी मदद कीजिए अपने पिताजी को हराने में। बिल्कुल मेरे बच्चों, मैं यहाँ पर इसकी
ताकत से और बड़ा हो जाऊंगा। ऑलराइट गाइस, यहां पर ऑल फादर लावा गॉड ने एक और एलिमेंट अलग खा लिया है। अरे इससे तो कुछ भी नहीं हुआ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। नहीं मेरे बच्चों, अब देखो, ओ भाई साहब, ये तो ऑरेंज लावा, अरे भाई साहब ये सियान लावा गॉड है। बे वाह फ्रैंकलिन, हमें अपनी जिंदगी में क्या ही चमत्कार देखने मिल रहे हैं। और ये पर्पल लावा गॉड है। हाँ प्लीज लावा गॉड जी, हमारे एवेंजर्स को जिंदा कर दीजिए, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, विनती मांगते हैं। मेरे बच्चों उसकी जरूरत नहीं है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरे पिताजी की ताकतें अभी भी कहीं मुझसे ज्यादा हैं, इसलिए मैं एवेंजर्स को नहीं बचा पा रहा हूँ। मुझे इनको बचाने के लिए दो एलिमेंट अलग चाहिए, एक मेरे पिता का और एक मेरा खुद का। चाहो तो सोना चांदी जो चाहिए वो ले लो। ओह माय गॉड, अब फ्रैंकलिन ये तो रियल गोल्ड है, ये मैंने तुम्हें दिया है तुम्हारा काम करने के लिए। मैं तुम्हें दुनिया का अमीर ताकतवर जो चाहोगे वो बना दूंगा, लेकिन प्लीज मेरी मदद करो। आप चिंता मत कीजिए, हम अपने एवेंजर्स को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। चल फ्रैंकलिन यहाँ पर चलते हैं, एक बार गाइस हम इस गॉडफादर टाइटन को हरा दें, फिर तो आराम से ऐश की जिंदगी जिएंगे। लेकिन यार फ्रैंकलिन, ये गॉडफादर टाइटन हमारे ऑल फादर लावा गॉड से कहीं ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि अगर ये पावरफुल नहीं होता तो यहाँ पर लावा गॉड खुद इससे लड़ने आ जाता। ये बात तो तूने सही कही, और साथ साथ में हमें यहाँ पर दो एलिमेंट अलग ढूंढने होंगे, एक जो कि लावा गॉड का एलिमेंट अलग है। ओबे फ्रैंकलिन ये तो लावा गॉड का एलिमेंट अलग है। हाँ, और एक जो कि गॉडफादर टाइटन का खुद का एलिमेंट अलग है, वो ये रहा फ्रैंकलिन। इन दोनों एलिमेंट अलग को लेने का, एक एलिमेंट अलग से हम अपनी दुनिया को इस गर्मी से इस ठंड से आजाद कराएंगे, और दूसरे वाले से क्या करेंगे, दूसरे वाले से हम अपने ऑल फादर लावा गॉड को ताकतवर बनाएंगे, जिससे कि वो हमारे एवेंजर्स को जिंदा कर दे। ऑलराइट फ्रैंकलिन जल्दी आ जा, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो बच्चों, तुम्हें क्या लगा मेरे साथियों को मारकर तुम जीत जाओगे? अरे नहीं, हेल्प मी ऑल फादर लावा गॉड, आपको अब तुम्हारी मदद करने आ गया होगा। प्लीज आइए और हमारे साथ गॉडफादर टाइटन से लड़िए। प्लीज लावा गॉड हमारे साथ आइए और लड़िए। ठीक है मेरे बच्चों, मैं आ रहा हूं। क्या बात है गाइस, अब देखिए यहां पर गॉडफादर टाइटन से सिर्फ मैं और टोनी स्टार्क ही नहीं, ऑल फादर लावा गॉड भी रहेगा। इसलिए तो कमेंट में जल्दी से गाइस आप ऑल फादर लावा गॉड ओपी लिखिए, क्योंकि हमारी टीम ही जीतनी चाहिए। नहीं, इस बार जीत मेरी होगी। मेरे बेटे तू बिल्कुल बेवकूफ है, तुझे मर जाना चाहिए था। गाइस एक बाप अपने बेटे से ऐसा कभी नहीं कह सकता, ये गॉडफादर टाइटन हमारे ऑल फादर लावा गॉड का बाप है ही नहीं। बिल्कुल सही कहा, ये बिल्कुल एकदम नीच गॉड है, हम इसकी बैंड बजाएंगे, ये गॉड हो ही नहीं सकता। ये ले मैं तुझे खत्म कर दूंगा। वही पिताजी प्लीज मान जाइए, मुझे मेरी पावर दे दीजिए, दुनिया को बचा लीजिए। नहीं, ये दुनिया बर्फ का गोला बनेगी, सब इसमें तबाह हो जाएंगे, यही डिजर्व करते हैं ये इंसान। नहीं, आप कौन होते हैं इंसानों को किसी भी तरह से जज करने वाले। ये ले नहीं, एवेंजर्स मेरी मदद करो बच्चों, मैं यहां मर रहा हूं। अरे नहीं टोनी, आप क्या करें, मेरे पास एक आइडिया है, मैं यहां पर पीछे से जाके गॉडफादर टाइटन को डिस्ट्रैक्ट करता हूं, उसके बाद ही तू लावा गॉड से बोलना कि वो पीछे से अटैक करे गॉडफादर टाइटन पे, और यहां पर हम इस तरह से उसको हरा पाएंगे। हां ये आइडिया सही है। देखा मेरे बेटे, ताकत के मतलब ये नहीं कि तू यहां जीत जाएगा, जीतूंगा मैं ही, ऐसा अभी बताता हूं। बेवकूफ गॉडफादर टाइटन, तूने धोखे से अपने बेटे को हराया है, अब तुझे बताता हूं कि इधर साथ क्या होने वाला है। गाइस मैं यहां पर एक ऐसी खतरनाक एनर्जी रिलीज कर रहा हूं, जिससे इतनी गर्मी हो जाएगी इधर कि इस गॉडफादर टाइटन को मेरी तरफ देखना ही होगा। अरे नहीं, ये मेरी तरफ से गर्मी क्या आ रही है। गाइस देखा, ये है खतरनाक लावा गॉड की एनर्जी। टोनी स्टार्क प्लान काम कर रहा है क्या? अरे बिल्कुल कर रहा है, देख गॉडफादर टाइटन को मेरी तरफ देख रहा है। अवेंजर्स तो तुम हो, अवेंजर्स, अवेंजर्स सिर्फ मैं अकेला नहीं हूं, मेरी पूरी टीम है, और मुझे अपनी पूरी टीम को बचाना है। बहुत बढ़िया फ्रैंकलिन बच्चे और टोनी बच्चे, बहुत बढ़िया, अब मैं अपने पिताजी को आराम से हरा सकूंगा। एक मिनट, नहीं तुम ये क्या कर रहे हो। गाइस यहां पर देखिए, मैंने और मेरे भाई ऑल फादर लावा गॉड ने मिलकर इस गॉड फादर टाइटन की सिट्टी बिट्टी गुल कर दी। फ्रैंकलिन जल्दी से यहां पर इस गॉड फादर टाइटन के एलिमेंटल एग को कलेक्ट कर ले। एक तो ये रहा, लेकिन दूसरा वाला का है, दूसरा वाला ये रहा टोनी स्टार्क। ऑलराइट गाइस, हमने यहां पर गॉड फादर टाइटन से दोनों एलिमेंटल एग ले लिए हैं। बिल्कुल, और एक एलिमेंटल एग से मैं इस्तेमाल करूंगा जिससे कि धरती बेटर हो जाए, और दूसरे का इस्तेमाल करके मैं अपने आप को सबसे बड़ा गॉड बनाऊंगा। गाइस यहां पर हमारे लावा गॉड ने हमारी धरती को तो ठीक कर दिया है, अब देखते हैं इस एलिमेंटल एग से क्या होने वाला है। अबे टोनी क्या होगा, मुझे क्या पता, देखते हैं। यहां पर फिलहाल हमारा लावा गॉड 7 है। ओरे भाई साहब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो पूरा 10 हेडेड ऑल फादर लावा गॉड बन गया। बिल्कुल मेरे बच्चों, अब समय आ गया है अवेंजर्स को जिंदा करने का, और तुम्हें दुनिया का सबसे ही ताकतवर और अमीर गॉड बनाने का। क्या गॉड, अरे बाप रे, कौन सा सूट मिलेगा मुझे। मैं भी यहां पर गाइस लिटरली मैं वेट कर रहा था कि आपको कब सूट दिखाऊं। देखिए यहां पर हमारे अवेंजर्स जिंदा हो गए, और ये हमारे पुराने गिफ्ट है। और गाइस ये देखिए मेरा जायंट 5 हेडेड ऑल फादर लावा गॉड का सूट, और ये जायंट ऑल फादर लावा गॉड का सूट। गाइस ये दोनों गिफ्ट और जितना भी इस पैसे सोना जा रहा था, ये सब के सब हमें लावा गॉड ने दिए। अगर आप इस तरह के वीडियो और देखना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना, और हां स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहे हैं वो भी देख लीजिए, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच।